हेलो एवरीवन, ये चैप्टर है आपका वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेवेंथ चैप्टर है। आइए इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे। अप्रत्याशित घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या सुझाएंगे किसी व्यक्ति को। वो बीमा करा ले, शेयर खरीद ले, ऋण पत्र खरीद ले, बैंक एफडी में पैसा जमा कर ले। अप्रत्याशित घटना हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो आपको सुझाव ये देना चाहिए कि आप बीमा करा लें। पहला का जवाब, बीमा करा लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। कर नियोजन मतलब टैक्स नियोजन का उद्देश्य, कर मतलब टैक्स, टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य क्या नहीं होता है। टैक्स प्लानिंग अगर करते हैं आप, उसका उद्देश्य होता है कि हमको कर लाभ मिले, टैक्स का बेनिफिट मिले, और विवेकपूर्ण निवेश करें ताकि उसका फलस्वरूप कम, हमारा कर का बोझ कम हो जाए, कर ब्रेक का पूरा लाभ लें। कर चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, ये कर नियोजन का, टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, कि कर टैक्स की चोरी करें। आइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है। धन संचयन उत्पाद क्या है, देखें यहां पे उत्पादों की चर्चा की गई है। कह रहा है कि वित्तीय लेन देन संबंधी उत्पाद कौन होते हैं। बैंक में जमा जो राशि है, अन्य बचत साधन जो सही समय पर और मात्रा में किसी को पर्याप्त क्रय शक्ति रखने की तरलता, यानी कि जब चाहे उसको पैसा मिल जाए, लेन देन संबंधी कार्य हो जाए, तो बैंक में आप जो आपका डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, वो काम करता है लेन देन संबंधी उत्पाद के लिए। बीमा क्या है, आकस्मिक उत्पाद है जो बड़ी हानियों के विपरीत सुरक्षा प्रदान करते हैं व्यक्ति को। धन संचय, धन बढ़ाने के लिए धन संचय उत्पाद क्या है, कि आप शेयर खरीदें, उच्च उत्पादकता वाले बॉन्ड खरीदें, जमीन खरीदें, अचल संपत्ति खरीदें, तो यहां निवेश करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा धन संचयन उत्पाद है। आप शेयर खरीदें, बैंक मियादी पॉलिसी टर्म प्लान लेंगे तो वो तो आकस्मिक उत्पाद हो गया, बैंक बचत खाता लेन देन संबंधी उत्पाद हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को, पहले से जो उसने बचत किया है, सर्वाधिक महत्व देगा। पहले से जो उसने बचत की है उसका सर्वाधिक महत्व कब किसी व्यक्ति को समझ में आएगा। जो विद्यार्थी है उस समय, कमा रहा है उस समय, या अभी तुरंत शादी हुई है उस समय, या रिटायर हो गया सेवानिवृत्ति के बाद, उसको अपने पहले के बचत का सर्वाधिक महत्व पता चलेगा सेवानिवृत्ति के बाद, क्योंकि उस समय आर्थिक आय उसकी कम हो जाएगी। तो पहले से जो उसने बचत किया है वही उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये कहता है कि निवेश की समय सीमा और प्रतिफल, मतलब जो फल मिलता है उसके बाद, मैच्योरिटी मिलता है, उसके बीच क्या संबंध है। निवेश की समय सीमा यानी कि जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा। यानी कम समय के लिए निवेश किया तो आपको कम प्रतिफल मिलेगा, ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो बोनस आपको ज्यादा मिलता है, एडिशनल बोनस आपको मिलता है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बड़ी निवेश समय सीमा, अधिक प्रतिफल, बड़ी निवेश की जो समय सीमा होगी उससे अधिक प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। लेन देन का उत्पाद क्या है, कि बैंक आप जीवन बीमा ले लें, ये तो आकस्मिक उत्पाद है, शेयर खरीद लें, ये तो आपका शेयर खरीद लेंगे तो ये आपका धन संचय उत्पाद हो जाएगा, नहीं। और लेन देन संबंधी उत्पाद है बैंक जमा राशियां, जब बैंक में जो जमा राशि है आप उसका अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
निम्न में से कौन सा आकस्मिकता उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आकस्मिकता मैंने बताया जीवन बीमा आकस्मिकता उत्पाद है। निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? धन संचय उत्पाद क्या है? धन जिस किससे बढ़ेगा, धन संचय किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 11 देखें, धन संचय के लिए आप बैंक जमा राशि नहीं, ये लेन देन है। जीवन बीमा नहीं, ये आकस्मिकता उत्पाद है। शेयर ये आपका धन संचय उत्पाद है। शेयर खरीद लें, बॉन्ड में निवेश करें, आप अचल संपत्ति जमीन खरीदें, ये आपका धन संचय उत्पाद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये कहता है कि डैश समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। समय के साथ जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे के चैप्टर्स में जब हम 11, 12, 13, 14 ये सब चैप्टर्स जो हैं उनको जब हम पढ़ेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए इसमें से कुछ समझ लें। जैसे हमने वित्तीय उत्पाद समझा, लेन देन संबंधी उत्पाद क्या है इसकी चर्चा हमने की, कि बैंक जमा अन्य बचत साधन जो है, हमें तुरंत पैसा तरलता हो जाए, मिल जाए, यानी कि क्रय किसी चीज को खरीद लें हम तुरंत, तो आप लेन देन संबंधी उत्पाद बैंक जमा राशियां हैं, ये लेन देन संबंधी उत्पाद है। बीमा ये आकस्मिक उत्पाद है। धन संचय उत्पाद शेयर है, बॉन्ड है, अचल संपत्ति है। अब बात करेंगे कि हम वित्तीय नियोजन क्यों करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं? निवेश के लिए, जोखिम प्रबंधन के लिए, कि जोखिम के खिलाफ कोई जोखिम हो उसके खिलाफ हम प्लानिंग करते हैं। सेवानिवृत्ति के लिए प्लानिंग करते हैं। टैक्स के लिए हम प्लानिंग करते हैं। किसी और आवश्यकता के लिए वित्त प्रबंधन करते हैं। ठीक है ना, वित्तीय नियोजन आप खुद से पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको, और बाकी चीजें मैंने यहां पे क्लियर कर ही दी है। बहुत धन्यवाद आप सबका।